वेल नमस्कार दोस्तों, मैंने भी आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो काफी कमाल की वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों 60 लिए क्या होता है, 40 लिए क्या होता है, 70 लिए क्या होता है, 72 72 क्या होता है, 44 44 क्या होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो आज हम बात करेंगे लीलन के 60 लिए, 40 लिए, 40 वो लिए, इन सारी चीजों के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा दोस्तों कि लीलन क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या इसका वो होता है। इसका मेन जो चीजें हैं, हमने एक वीडियो में बताया हुआ, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आपको लीलन के बारे में ये सारी चीजें समझ आएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सबसे पहले ये लीए का क्या फंडा है। मैक्सिमम लोग हमारे से कमेंट में पूछते हैं कि भाई सर हमारे को कौन सा लीए की शर्ट लेनी चाहिए, मतलब 60 लीए लेनी चाहिए, 80 लीए होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं हमारे को कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, जैसे आपके रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों कि जो लिए होता है बेसिकली ये एक यार्न का काउंट होता है, कि लीलन का जो यार्न होता है उसके काउंट को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है लिए में। तो लिए होता है मेन, जैसे आप कॉटन में देखते हो, कॉटन में भी होता है मेजरिंग का अलग अलग होता है, ठीक है, मतलब जैसे GSM होता है वैसे क्या होता है ये लिए भी होता है। तो बेसिकली क्या है कि जो लिए होता है, लिए स्टार्टिंग होता है आपका 25 से लेकर, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है और आगे काफी फाइन क्वालिटी तक चलता है, मतलब 80 तक चलता है, 90 तक चलता है, अतः तो अलग अलग टाइप का जिसमें होता है लिए चलता है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो 25 से 35 के बीच का जो लिए होता है, जो काउंट होता है, वो चलता है आपका शूटिंग के लिए। शूटिंग बोले तो शूटिंग का मतलब कि जो आपका मतलब सलवार वगैरह हो गए, आपके कुर्तीज हो गए, इस टाइप का जो कपड़ा होता है, ठीक है, इस टाइप का जो लिए होता है मैक्सिमम वो शूटिंग के लिए यूज किया जाता है। उससे ऊपर की जो फाइन क्वालिटी होती है वो आता है आपका शर्टिंग के लिए। शर्टिंग का मतलब उसमें आप शर्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 60 60, ठीक है, मतलब 60 लिए वाला जो होता है, जो शर्ट जो होता है काफ़ी फाइन क्वालिटी का होता है। तो और यही एक कारण है, बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट है कि अरे 40 लिए, 60 लिए, 80 लिए, क्या ये कोई मतलब लीलन का वो नहीं है, मतलब कि कोई कम क्वालिटी वाला, ज़्यादा क्वालिटी वाला, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये प्योर लीलन ही होता है। 40 लिए भी प्योर लीलन होता है, 60 लिए प्योर लीलन होता है, और 80 लिए, 72 72, ये सारे क्या होता है, ये सारे बिल्कुल फाइन क्वालिटी के लीलन होते हैं। बट इसमें मेन डिफरेंस जो होता है वो काउंट का होता है, क्योंकि जिसका जो अगर कोई भी जो यार्न होता है उसका जो काउंट होता है, अब काउंट बहुत सारे लोग अभी भी उसमें कन्फ्यूज होंगे यार काउंट क्या होता है। तो आपको सिंपल से एक मोटी मोटी भाषा में आपको समझाऊँ दोस्तों कि जिसका जो रेशा होता है, जिसको जिस तरह से मतलब उसकी जो बुनाई जो होती है जितने अच्छे तरीके से हुई होती है, ठीक है, वो उसका क्या होता है, वो उसको काउंट होता है, मतलब कि उसका जो रेशा होता है रेशा उतनी फाइन क्वालिटी का होता है। मतलब सपोज के बाद आप कोई भी रेशा लेते हैं, उसको अच्छी तरह से आपने क्या किया, अच्छी तरह से उसको बुना, तो जितनी अच्छी टाइट उसकी जो जो उसकी बुनाई हुई, जितनी टाइट से आपने वो बुना होगा उतना अच्छी क्वालिटी का होगा, काफ़ी स्ट्रांग भी रहेगा और थोड़ा सा पतला भी होगा। तो जितना फाइन क्वालिटी का होगा, ठीक है, उतना फाइन क्वालिटी का आपका लिए होगा, मतलब उतनी ज़्यादा उसका काउंट होगा। तो आपको मैं बताऊँ दोस्तों कि जो अगर आप शर्ट के लिए ले रहे हो, तो शर्ट के लिए आपका सबसे बेस्ट रहेगा आपका 60 लिए, ठीक है, जो आजकल मार्केट में यहाँ पे इंडिया में चल रहा है उसे 72 72 भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर उससे फाइन क्वालिटी का जाता है आप तो 80 80 भी ले सकते हैं, बट इनफ होता है 60 वाला जो होता है काफ़ी अच्छा रहता है, उस पर नॉर्मल आप शर्ट वगैरह पहनोगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। और आपको एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आपका 72 72 वाला होगा या 80 लिए वाला होता है, तो कपड़ा क्या होता है उसमें ज़्यादा आगे ट्रांसपेरेंट चलता रहता है, मतलब कि जितना आपका फाइन क्वालिटी का होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा वो कपड़ा। मतलब बोलने का मतलब यही कुल मिला कि अगर आप 40 लिए वाला एक कपड़ा लेते हो या 60 लिए वाला एक कपड़ा लेते हो, तो दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे तो उसका जो यार्न होगा 40 लिए वाला थोड़ा सा मोटा होगा और 60 लिए वाला थोड़ा सा पतला होगा। तो इसमें ये फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता है। जो लीलन होता है बिल्कुल 100% प्योर होता है, बट आपको पहचानना आना चाहिए कि 100% प्योर लीलन है या नहीं है। अगर आपको इसकी जानकारी है तभी आप उसको परचेज करना, अगर जानकारी नहीं है तो कई बार होता है आजकल मार्केट में, आजकल कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं कि वही लीलन के नाम पर कुछ और ही दे देते हैं, जो कि जिन लोगों को पता नहीं होता कि लीलन का कैसे वो करेंगे, ठीक है, इसके बारे में वैसे मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने यार वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उसको लिंक मिल जाएगा, जाके वीडियो को जरूर देखें। और हमारी काफ़ी वीडियो है ऐसी जो कि हम फैब्रिक के ऊपर बनाते हैं कि कैसे पहचानेंगे आप, कैसे क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यही फर्क होता है कि 40 लिए 60 लिए, तो होप आपको समझ आ गया हो कि जो 40 लिए होता है 60 लिए क्या होता है।
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और कमेंट लिखते करो, क्योंकि आपका वो जो कमेंट होता है उसके हिसाब से हम वीडियो लेके आते रहते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। अगर इस तरह की वीडियो चाहते हो तो जिन भाई लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी वीडियो देखते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को देख पाए और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है एडवांटेज ले पाए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।